हमारे लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही ट्रेन सी ट्रेन खड़ी हैं और हमारा जो माल गाड़ी है वो बीच से गुजर रहा है। तो यार ये सीन कैसा लग रहा है जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिए गाइस, क्योंकि ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ओए होए होए, देख रहे हो यार हमारा ट्रेन जैसे ही रुका ये जो डबल डेकर एक्सप्रेस है यार ये डिपार्ट कर चुकी है। तो यार देख रहे हो यार हमें रोक दिया गया और इसे आगे निकाला जा रहा है हमारे। और ये देखो भाई बैक सेवन के साथ में कोई ICF ब्लू ट्रेन है जो कि हमें टूनी स्टेशन पर ओवरटेक कर रही है और हमें साइड कर दिया गया गाइस, ताकि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है यार ये हमसे आगे जा सके और हमें ओवरटेक कर सके। तो भाई देखते हैं ये कब तक ओवरटेक ख़त्म करती है, फिर हम चलेंगे यहाँ से और डिपार्ट वगैरह करेंगे। आज के इस वीडियो में ना हम कोई पैसेंजर बने हैं और ना ही हम किसी एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ड्राइव करने वाले एक मालगाड़ी को। सो ही व्हाट्स अप गाइस, इट्स आइडिया इज हियर बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम चलाने वाले एक मालगाड़ी, एक BCNF फ्रेट ट्रेन चलाने वाले हैं और यहाँ पर किसी WDP 4D के साथ में कोई रेड LHB ट्रेन है जो कि समालकोट जंक्शन पर एंटर कर रही है। और अभी हम जा रहे हैं अपने वैगन्स के पास में, क्योंकि यार हमें पहले जाना है और अपने वैगन्स को कपल करना है। तो कपलिंग का एक्शन भी आपको भरपूर देखने को मिलेगा। और उससे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ये पैरेलल टाइप एक्शन देख लो आप लोग, और अच्छा लगे तो फिर यार वीडियो के स्टार्टिंग में लाइक ठोक दो इस बात के लिए। देख रहे हो यार शुरू में मैंने आपको एक पैरेलल रेस दिखा दिया है एक लोको वर्सेस एक रेड LHB ट्रेन के साथ में, और ये जो रेड LHB ट्रेन है समालकोट जंक्शन पर एंटर कर रही है और हम जा रहे हैं अपने वैगन के पास में ताकि अभी हम उसे कपल कर सकें और फिर हम इसे पहुँचा सकें विशाखापट्टनम। और यार ये क्या हुआ यार, यहाँ तो यार गेम एकदम तगड़ा वाला यार लैग मारा, ऐसा लगे गाइस 2-3 सेकंड के लिए हमारा जो गेम है यार वो रुक चुका है। तो यार ऐसा यार जो लैग होता है ना ये यार जब मैं ज़्यादा है ट्रैफिक वगैरह ऐड कर देता हूँ ना या फिर ज़्यादा ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं तब भी ऐसा लैग होता है, तो यार इसके लिए माफ़ कर देना मुझे। और अभी हम एंटर बस कर ही गए, मतलब एंटर क्या यार हम अपने वैगन्स के पास में बस पहुँच ही गए हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ BCNF वैगन्स और यार मॉडल्स का क्या कहना भाई, मॉडल्स तो हमारे हैं डी लर्निंग बेस के मॉडल्स हैं, काफ़ी रियलिस्टिक मॉडल्स बनाते हैं ये हमारे ट्रेन्स के लिए। तो सक्सेसफुली गाइस हम अपने वैगन्स के पास में आ चुके हैं और अब हम जल्दी से इसे कपल वगैरह कर लेते हैं। और मैं आपको बताना भूल गया भाई, आज का जो हमारा लोकोमोटिव है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, आप लोग देख ही सकते हो ये रेयर वाली लिवरी का है WDG 4D लोकोमोटिव आज हमारा है। और यार ये जो लोकोमोटिव होता है WDG 4D ये ज़्यादातर यार मालगाड़ी या फिर फ्रेट ट्रेनों के साथ में दिखता है अगर आपने रियल वर्ल्ड में भी नोटिस किया होगा तो। और हमारा विशाखापट्टनम का है आज और हमें इस ट्रेन को यार विशाखापट्टनम ही लेकर जाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइस अभी हम चलते हैं भाई, देखते हैं कब तक क्लियरेंस मिलता है। सो गाइस हमें क्लियरेंस वगैरह मिल चुका है और अभी हम हॉर्न वगैरह बजाते हैं और करते हैं यहाँ से डिपार्ट। और हाँ भाई आज के इस वीडियो में हमारे WDG 4D लोकोमोटिव का आप लोगों को हॉर्न कैसा लग रहा है भाई ज़रा बता देना मुझे कमेंट करके। यार हॉर्न के ऊपर तो यार एक सजेशन बनता है कि नहीं आप लोगों का। और यार मैं आपको बताना भूल गया, ये जो वैगन्स आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हमारा WDG 4D हॉल कर रहा है ये है TLW के 5-star+ सीरीज के मॉडल्स भाई, यानी कि डी लर्निंग बेस के यार 5-star+ सीरीज के मॉडल्स हैं ये। और ये 8-wheel BCNF ब्रेक्स हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 8-wheel BCNF वैगन्स हैं ये जो कि अभी हाल ही में डी लर्निंग बेस की वेबसाइट पर रिलीज़ हुए हैं। और इसमें यार आपको बहुत ही ज़्यादा खूबियां देखने को मिल जाएंगी, आपको इसमें इनबिल्ट ट्रैक साउंड और व्हील एनिमेशन से लेकर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और टेक्सचर देखो यार कितने हाई क्वालिटी के टेक्सचर हैं, तो ज़रूर से मेरे कहने पे यार एक बार ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, काफ़ी रियलिस्टिक मज़ा आएगा आपको जब भी ये वैगन्स वगैरह के साथ आप खेलोगे। और अभी तो हम धीरे धीरे निकल रहे हैं समालकोट जंक्शन के आउटर से, आउटर भी नहीं यार साइडिंग थी वो।
तो समाल कोट जंक्शन के साइडिंग से हम निकल चुके हैं। और ये क्या भाई, आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है गाइस, कोई बैफ कोर्ट के साथ में आई थिंक गरीब रथ एक्सप्रेस है, जो कि हमें यार पैरेलली ओवरटेक कर रही है। देख रहे हो यार तुम, जहाँ तक मुझे लग रहा है हमें येलो सिग्नल इसीलिए दे के रखा है ताकि ये गरीब रथ एक्सप्रेस यार हमसे पहले चली जाए थोड़ा सा दूर, तब यार हमारा जो ट्रैक्स वगैरह ये क्लियर कर देगी और हमें पूरा ग्रीन सिग्नल तब दिया जाएगा। तो यार ये तो काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में हमें पैरेलली ओवरटेक करके चली गई है, और यहाँ पर हमारी मालगाड़ी की यार स्टार्टिंग में बेइज्जती हो गई है। तो यार ये थोड़ा बहुत आप लोग इग्नोर कर लेना यार, जितने भी हमारे इंडियन रेलवेज में यार फ्रेट ट्रेन होती है ना गाइस, यार उनकी बेइज्जती वगैरह होती रहती है, और जहाँ तक अभी इन्हें यार ओवरटेक कराने के लिए रोक दिया जाता है। तो यार मालगाड़ी का यार यही होता है, और अभी मैंने आपको दिखा दिया, और आज की स्पीडो में आपको ट्रैफिक के साथ साथ ओवरटेक्स वगैरह सब देखने को मिलेगा भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग मेरे साथ वीडियो पूरा देखोगे, क्योंकि यार ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, जब भी यार मैं कोई ट्रेन वगैरह चलाता हूँ और उसमें जर्निंग वगैरह नहीं करता हूँ ऐसे, मतलब लोको पायलट की तरफ से ट्रेन चलाता हूँ, तब यार आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हो। और जब मैं यार पैसेंजर वाली ट्रेन एक्टिविटी करता हूँ जिसमें कि हम पैसेंजर बने रहते हैं यार, वो वीडियो तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा देखते हो। तो यार आज की इस वीडियो में यार ज़रूर आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और यहाँ पर अभी हम निकल ही रहे हैं समालकोट जंक्शन से, और अभी आगे में यार क्या ही गजब वाले नज़ारे आने वाले हैं। ज़रा आगे पहुँचने तो दीजिए भाई मुझे, फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक भी अच्छे सीन में आप लोगों को यार मिस नहीं करवाऊँगा। और व्हील एनिमेशन की मैंने बात की थी शुरुआत में मॉडल्स में, तो यार व्हील एनिमेशन काफ़ी अच्छे से है। और ये क्या हुआ था भाई, एक सेकंड के लिए यार ट्रैक साउंड भी बंद हो गया था। तो यार ये गेम में यार काफ़ी ज़्यादा एरर है भाई, कोई सुधारो भाई इस गेम को। और यहाँ पर हमारा ट्रैक्स वगैरह चेंज हो रहा है, आप तो देख ही सक रहे हो, हम लोग धीरे धीरे जो मेन लाइन है वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं गाइस। ये देखो भाई यहाँ, ये देखो भाई बीच से सिग्नल केबिन है, और आप लोग देख ही सकते हो उसके दोनों तरफ ट्रैक्स ही ट्रैक्स हैं। तो यार ये भी नज़ारा मुझे काफ़ी अच्छा लगा समालकोट जंक्शन का। और एक काम करता हूँ गाइस, अभी मैं आप लोगों को लिख के चलता हूँ गार्ड वाले कोच में, क्योंकि यार गार्ड वाला जो कोच है वो भी तो आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है भाई। और यार ये तो फोर व्हील्स वाला कैबूस है आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि अभी मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ। ये देखो भाई आ गए हम, अभी हम आ चुके हैं गाइस अपने कैबूस में, और यहाँ पर आपको पीछे वाला जो गार्ड वाले कोच से नज़रिया आता है वो देख लो भाई, काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है यहाँ से। और ये क्या भाई, ये क्या रह रहा है, सारे सिग्नल ग्रीन कैसे हो गए भाई यहाँ, ये तो भाई कुछ गड़बड़ है यार, तो वो थोड़ा इग्नोर कर लेना आप लोग। थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ और आगे वाला भी नज़ारा दिखा देता हूँ भाई। तो ये देखो यहाँ पर ढेर सारे जो ट्रैक्स वगैरह है ना गाइस, वो चेंज हो रहा है भाई। और ये रहा सिग्नल के भी, और सामने मुझे ये क्या भाई, यहाँ तो बसेस वगैरह वेट कर रही हैं हमारी ट्रेन का, कि हमारी जो ट्रेन है गाइस वो निकल जाए और फिर ये यहाँ से मतलब जहाँ इनको जाना है चली जाएंगी भाई। ये देखो भाई हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, और ये लेवल क्रॉसिंग के गेट्स भी अभी तक बंद हैं। जैसे यार हमारा ट्रेन थोड़ा सा दूर चला जाएगा ना गाइस, ये गेट्स वगैरह ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। और कितना भीड़ है भाई ये हाईवे पे, देख रहे हो यार, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो कितने ढेर सारे जो बसेस हैं, कार हैं, ऑटो हैं, वो सब रुके हुए हैं। चलिए मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ एक बार। हाँ तो भाई अभी हम आ चुके हैं पीछे की ओर, और ये देखो भाई यहाँ पर हमारा ट्रैक्स वगैरह चेंज हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा गाइस। और गाइस अब हम धीरे धीरे यार जो मेन लाइन है वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, और शायद यार एक और बार हमारा ट्रैक चेंज होगा, अभी हम वही वाली लाइन पकड़ने वाले हैं गाइस जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले गरीब रथ एक्सप्रेस गुजरी थी। और यार अब तो यार वो काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई होगी, तभी जो हमारा क्लियरेंस है यार वो पूरा मिल चुका है, और अभी मैं स्पीड को यार इंक्रीज करने वाला हूँ। तो अब आप लोग देखोगे गाइस एक हाई स्पीड एक्शन, और यार एक माल गाड़ी है तो हाई स्पीड एक्शन तो यार बनता नहीं है वैसे, और जहाँ तक अभी इसका ओवरटेक करा दिया जाता है और सिग्नल वगैरह रेड दे दिया जाता है तो मुझे यार काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आज एक काफ़ी लो प्रायोरिटी वाली ट्रेन हम ड्राइव कर रहे हैं, एक मालगाड़ी, और ये BCN वैगन से जो कि हमें विशाखापट्टनम तक पहुँचाना है ये हमें कहा गया है। तो देखते हैं भाई। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा सिग्नल था ना नेक्स्ट, वो हमें मिल चुका था येलो, और इसके बाद वाला जो सिग्नल था यार वो रेड था, तो यार हमें रुकना था, पहले हम येलो सिग्नल तक बढ़ते हैं। और यहाँ पर व्हील एनिमेशन आप लोगों ने देखा है कितना गजब का हुआ था,
और यहाँ पर क्रॉसिंग चल रहा है वेस्ट 7 के साथ में, कोई एलएचबी ट्रेन का आप लोग देख ही सकते हो जो कि समालकोट जंक्शन की ओर जा रही है। और हम तो यार समालकोट जंक्शन से काफ़ी दूर आ चुके हैं, लगभग एक घंटा बीत चुका है वहाँ से डिपार्ट करते हुए, और अभी मैं आप लोगों को इतनी तेज़ी से लेकर जा रहा हूँ पीछे गार्ड वाले कोच में। ये देखो भाई गार्ड वाले हम कैबूस में आ चुके हैं, और यहाँ से भी क्रॉसिंग देख लो भाई, काफ़ी गजब का क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ से भी, और एकदम फर्स्ट क्लास वाला नज़ारा आ रहा है मुझे। और यहाँ पर यार कितना अच्छा नज़र आता है, एकदम खुला खुला रहता है गार्ड वाला जो वैन रहता है, और ये एलएचबी ट्रेन काफ़ी अच्छी खासी स्पीड में क्रॉस करके गई है, और इसका जो पीछे वाला यूजी कोच था काफ़ी ज़्यादा यार साउंड कर रहा था। सो फ्रेंड्स देखते देखते हम टूनी जंक्शन पर, यहाँ पर हमें रोका गया था, वैसे यार मालगाड़ी का कहीं पर भी हॉल्ट नहीं होता है, बट यार किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन या फिर प्रीमियम ट्रेन से इसे ओवरटेक कराने के लिए ना गाइस कहीं पर भी रोक दिया जाता है। तो यही हुआ आज हमारे साथ, हमें यहाँ पर टूनी जंक्शन पर, टूनी जंक्शन नहीं यार ये टूनी स्टेशन है यार, मैं जंक्शन क्यों बोल देता हूँ, हाँ तो यार टूनी स्टेशन पर हमें लूप कर दिया गया है, और अभी हमारा जो नेक्स्ट सिग्नल है ना गाइस वो रेड है, और यहाँ पर भी एक लोकल ट्रेन रुकी हुई है जिससे कि शायद अभी जो क्रॉसिंग हुआ था ना गाइस वेब 7 के साथ में एलएचबी ट्रेन का, वो जो एलएचबी ट्रेन अभी गई थी ना गाइस वो लगता है मेमू ट्रेन को ओवरटेक करके गई है भाई। तो यार इसके भी हालात बिल्कुल सेम हमारे जैसे हैं, क्योंकि ये एक लोकल ट्रेन ठहरी और हमारी एक मालगाड़ी ठहरी, तो यार ओवरटेक तो यार दोनों ट्रेन का यार काफ़ी नॉर्मली बात है हमारे इंडियन रेलवेज में, क्योंकि एक लोकल ट्रेन की भी यार कोई भी प्रायोरिटी नहीं होती है और एक मालगाड़ी की भी। तो भाई अभी हम आ चुके हैं, और अभी मैं एक काम कर रहा हूँ भाई, प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा हम चलते हैं और प्लेटफॉर्म से भी आप लोगों को अच्छा खासा नज़ारा दिखा देते हैं हमारे ट्रेन का आज का। ये देखो भाई हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पर टूनी स्टेशन के, और ये रहा हमारा कोच, सॉरी यार गार्ड का जो कैबूस होता है वो, और ये सदरन रेलवेज का आप लोग देख सकते हो इस पर लिखा हुआ है सदरन रेलवेज। सो फ्रेंड्स लगभग 10 से 15 मिनट बीत चुके हैं, और जो ओवरटेक हमें फेस करना था वो आ चुकी है, क्योंकि यार इस ट्रेन के अभी तक हम कल्प्रेट बने हुए थे, और अभी हमें साइड में कर दिया गया है ताकि ये ट्रेन हमसे आगे निकल सके हमें ओवरटेक करके। तो ये देखो भाई इसका जो लोकोमोटिव है वो काफ़ी रेयर है, वैम 4 के साथ में कोई ICF ब्लू प्लस उत्कृष्ट ट्रेन है आप लोग देख ही सकते हो, जो कि हमें ओवरटेक कर रही है टूनी स्टेशन पर, और काफ़ी रियलिस्टिक वाले जो ट्रैक साउंड्स हैं गाइस वो आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे ट्रैक साउंड आ रहे होंगे। तो भाई देख रहे हो यार हमें लूप कर दिया गया, और ये प्रीमियम एक्सप्रेस ट्रेन हमें ओवरटेक कर रही है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये रत्नांचल नहीं यार और कोई ट्रेन है यार, मैं गलत नाम ले रहा हूँ सॉरी गाइस, रत्नांचल तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस नहीं थी यार ये, पता नहीं भाई जो भी ट्रेन हो यार, मैंने यार इसका नेम वेम तो नहीं पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं भाई हमें कब तक क्लियरेंस मिलता है। सो फ्रेंड देखते देखते वो ओवरटेक फेस करने के बाद में हमारा कोई भी ओवरटेक नहीं हुआ था, और हम डिपार्ट कर दिए थे टूनी स्टेशन से, और अभी हम किसी और स्टेशन पर स्किप मारने वाले हैं, और यहाँ का भी जो नज़ारा होने वाला है काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होने वाला है। तो यहाँ का भी नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, बट यार हमारा यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक चेंज हुआ है, तो इसी कारण से हमारा जो स्पीड है गाइस काफ़ी ज़्यादा धीमे हो चुका था, और कोई बात नहीं है भाई गाइस बस यही बात थी भाई। और यहाँ पर आपको साइडिंग में दिखाई दे रहा होगा इस स्टेशन के, यहाँ पर साइडिंग में कोई ICF ब्लू कोचेस खड़े हैं, और यहाँ पर कोई जनशताब्दी एक्सप्रेस लगी हुई है भाई, देख रहे हो यार कितना गजब का फीलिंग आया भाई, एकदम हाई वाले ट्रैफिक आया कि नहीं गाइस आज की स्पीड में, ज़रा बताओ मुझे कमेंट करके, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो भाई आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में कोई जनशताब्दी एक्सप्रेस खड़ी है, और राइट साइड में कुछ ICF के स्टैटिक कोचेस खड़े हैं, और एक नहीं भाई दो दो खड़े हैं यार, तो लगता है भाई ये साइडिंग वगैरह जहाँ पर ट्रेन वगैरह को रेस्ट वगैरह कराया जाता है भाई, तभी तो यार इसके जो विंडो वगैरह है सब क्लोज है भाई, इसमें मतलब कोई भी बैठा वगैरह नहीं है, खाली यार इन्हें खड़ा किया गया, ये डिब्बे पूरे खाली हैं अंदर से। और अभी हम आ चुके हैं सामने वाले नज़ारे पे, और आपको देख ही रहा होगा ये जो AC कोचेस है यार इस पर भी कर्टेंस वगैरह लगे हैं, तो यार ये पूरे बंद पड़े हैं, और अंदर का जो AC वगैरह कुछ नहीं चल रहा, तो भाई
एसी वगैरह में जाने की मैं सोचे। वैसे सामने में आपको धूप वगैरह दिखाई दे रही होगी, सन वगैरह। वैसे मुझे भी यार यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा धूप का सामना करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं यार, यहीं से काफ़ी अच्छे नज़ारे कैप्चर कर पा रहा हूँ मैं। सो फ्रेंड, देखते देखते हम यहाँ पर एक और स्टेशन पर यार एंटर करने वाले थे, और यहाँ का जो सिग्नल था गाइस वो भी हमारा दोबारा से रेड हो चुका था। तो यार एक मालगाड़ी की यार क्या ही यार हो सकते हैं यार प्रियोरिटी। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देख के समझ गए होंगे भाई कि इन्हें कहीं पर भी रोक दिया जाता है और किसी से भी ओवरटेक करा दिया जाता है। तो यार यही बात होती है। और ये क्या भाई, यहाँ पर भी एक रेड एलिवेटेड ट्रेन लगी है, और लेफ्ट साइड में आप लोग देख ही सकते हो कि रेड एलिवेटेड ट्रेन है, और राइट साइड में कुछ है दिखाने लायक, जरा मैं देखता हूँ भाई। और यार इसके जो अंदर के लाइट्स वगैरह हैं वो सब जल रहे हैं भाई। तो धीरे धीरे जो शाम हो रही है गाइस, आप लोग देख ही सकते हो लगभग शाम के 5 बज चुके हैं, और ट्रेन्स वगैरह में लाइट वगैरह ऑन हो गई हैं। और ये क्या भाई, यहाँ तो आप लोग देख ही सकते हो हमारे राइट साइड में कोई LHB डबल डेकर एक्सप्रेस खड़ी है, जो कि आई थिंक तिरुपति से विशाखापट्टनम को जाने वाली AC डबल डेकर एक्सप्रेस हो सकती है, क्योंकि इस सेक्शन में यार एक ही डबल डेकर एक्सप्रेस चलती है। तो यार वही होगी यार ये, और कौन सी हो सकती है। और ये क्या, अरे अरे यार वाह यार, देख रहे हो यार, यार ये वाला सीन तो एकदम गजब है। ओए होए होए, देख रहे हो यार हमारी जो माल गाड़ी है ना गाइस, वो अभी रुकी ही नहीं थी कि ये जो डबल डेकर एक्सप्रेस है ये यहाँ से चल चुकी है। तो यार देख रहे हो यार, हमें इसीलिए गाइस यहाँ पर रोका गया ताकि ये जो डबल डेकर एक्सप्रेस है हमसे पहले जा सके विशाखापट्टनम पे। तो यार इस वाले सीन के लिए ज़रूर से लाइक ठोक देना भाई। देख रहे हो यार इतने अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाता हूँ मैं तुम्हें इंडियन रेलवेज के। तो यार इसके लिए लाइक बनता है कि नहीं, और अगर आप यहाँ पर पहली बार एंट्री मारे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना। और ये देखो भाई, ये डबल डेकर एक्सप्रेस जा रही है विशाखापट्टनम पे, और देखते हैं भाई इसकी मुलाकात होती है हमसे विशाखापट्टनम पे कि नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते देखते बढ़ चुके थे विशाखापट्टनम की ओर, और बस हम एंटर करने ही वाले थे गाइस प्लेटफॉर्म पे, आपको यहाँ से देख के पता लग ही रहा होगा। और आउटर में हमें थोड़ा बहुत रोक दिया गया था, बट कोई बात नहीं, अभी दोबारा से हमने एक्सेलेरेट वगैरह किया है। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को आगे से जो नज़ारा है ना गाइस वो दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई, विशाखापट्टनम पे एंटर कर रहे हैं, और उस स्टेशन पे तो यार लगभग 5 बज रहे थे शाम के, और विशाखापट्टनम पर पहुँचते पहुँचते ना गाइस लगभग 1 घंटा बीत चुका है, और अभी लगभग 6 बज रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा शाम के। तो काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पर लेट हो चुके हैं, वैसे इसका कोई टाइम नहीं होता गाइस मालगाड़ी का, कभी भी इन्हें यार पहुंचा दिया जाता है और कभी भी ओवरटेक करा दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ही था गाइस। और बोर्ड वगैरह देख लो आप लोग विशाखापट्टनम का, और ट्रैक साउंड कैसे आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता ही सकते हो भाई, बता सकते ना गाइस, बताना ज़रूर यार। फौरन आज हमारा और ट्रैक साउंड, ये दो बातें ध्यान रख के ज़रूर से बता देना। और यहाँ पर यार एक ICF कोचेस लगी है, और ये क्या भाई राइट साइड में डबल डेकर एक्टर, यार ये देखो भाई इससे मैंने आपको दोबारा मिलवा दिया गाइस, ये वही डबल डेकर एक्टर जो कि इससे पहले वाले सीजन पर जहाँ पर हम एंटर किए थे और वो डिपार्ट की थी। तो गाइस ये वही डबल डेकर एक्टर है भाई जो हमसे पहले डिपार्ट की थी, तो गाइस इससे मैंने आप लोगों को मिलवा दिया है। और पीछे से नज़ारा देखो भाई, इस वाले नज़ारे के लिए ज़रूर से लाइक ठोक देना भाई। देख रहे हो यार, आप लोग देख ही सकते हो हमारे दोनों तरफ ट्रेन ही ट्रेन है, और अभी मैं ब्रेक्स वगैरह अप्लाई कर देता हूँ। चलिए भाई, हमने ब्रेक्स वगैरह अप्लाई कर दिया, और अभी हमारा जो लोकोमोटिव है वो रोक देगा हमारी मालगाड़ी को। सो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो फिर ज़रूर से बता देना मुझे कमेंट करके भाई, तभी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो यार अभी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जाने के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।